दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नई रेनॉल्ट ट्राइबर के बारे में, जिसको कंपनी ने BS6.2 इंजन के साथ में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ट्राइबर एक ऐसी गाड़ी है जिसको कि आप एक बड़ी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं और कम बजट के साथ में आप इन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। इस गाड़ी का वीडियो बनाने के लिए मैं इंदौर में बीजलपुर के पास में इनका शोरूम है प्रिंस रेनॉल्ट, वहाँ पर आया हुआ हूँ। अगर आप गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों प्राइस रेंज के बारे में आपको जानकारी दे दें सबसे पहले, तो ट्राइबर आती है चार तरह के वेरिएंट्स के अंदर। बेसिक मॉडल से लेकर के आप इसके टॉप मॉडल को 7.5 लाख से लेकर के 9.5 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइसेस में परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको गाड़ी के फ्रंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी बड़ा जो है इसके अंदर विंडशील्ड प्रोवाइड किया गया है। ये हमारे पास में इसका सेकेंड टॉप मॉडल है, जिसके अंदर आपको रेडियो एंटीना भी मिलेगा, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आपको इनबिल्ट गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। दो वाइपर हैं इस विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए वाटर के जेट के साथ में। बोनेट के ऊपर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रीज लाइनिंग दी गई है, जो कि आपको गाड़ी चलाते समय एक कंफर्ट, गाड़ी के लिए कंफर्ट जोन यहाँ पर देती है, क्योंकि इनसे जो है एयर कट काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखते हैं, तो रेनो का काफ़ी बड़ा लोगो है। ग्रिल है जो कि काफ़ी खूबसूरत इसके फ्रंट को एनहेंस कर रही है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको इतने कम बजट की गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट दिए गए हैं, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी नाइट के समय में काफ़ी अच्छी रहती है। नीचे अगर आप लगाना चाहें तो फॉग लैंप भी लगा सकते हैं। ऑप्शनली आपको यहाँ पर ये भी प्रोविजन्स अवेलेबल रहते हैं। अगर हम फ्रंट में और देखें, तो आप देखेंगे कि फ्रंट में इसके अंदर सिल्वर के अंदर आने वाली आपको स्कर्टिंग दी गई है, जो कि इसके फ्रंट को एनहेंस तो करती है, साथ ही रोड के ऊपर जो कंकड़ पत्थर वगैरह उछलते हैं उससे हमारा जो है ये फ्रंट डैमेज नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह का इसका फ्रंट है। अब हम गाड़ी के साइड पोर्शन की अगर बात करें, तो आप देखेंगे कि गाड़ी के ऊपर की साइड में आपको इसके अंदर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। ये काफ़ी मजबूत है। इसके अंदर आप जो है 50 से लेकर के 60 केजी तक का माल, यानी कि लोड अगर आप लेके जाना चाहें लगेज, तो वो आप लेके इजीली जा सकते हैं। ORVMs की बात करें, तो ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में इसके ORVM है। यहीं पर आपके टर्न इंडिकेटर हैं। हालांकि ये जो है ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में नहीं आते हैं, आपको इनको जो है मैन्युअली फोल्ड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। टायर आपको काफ़ी बड़े मिलते हैं, 14 इंची के ये टायर हैं, और ये आपको यहाँ पर जो है फ्लैक्सी कैप वगैरह जो है फ्लैक्सी व्हील्स मिलते हैं, जिससे कि इनका जो है ना आपको जो व्यू है इस तरह का आता है कि आप जो है गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील आपने लगाए हुए हैं। तो ये आपके टायर हो गए हैं। व्हील आर्च आप देख सकते हैं, साइड मोल्डिंग है आगे से लेकर के पीछे तक की, जो कि गाड़ी के साइड पोर्शन को काफ़ी एनहेंस कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपको क्रोम के साथ में इसके हैंडल दिए गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है, जिसके अंदर आपको सारे ही कंफर्ट और सारे मतलब लग्जूरियस फीचर जो महंगी गाड़ियों के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी के द्वारा। अब दोस्तों अगर हम गाड़ी को पीछे से देखें, तो आप देखेंगे हाई स्टॉप इसके अंदर आपको लाइट दिया है, ब्रेक लाइट ऊपर भी दिया गया है, काफ़ी बड़े आपको टेल लैंप दिए गए हैं। ट्राइबर की ब्रांडिंग है क्रोम लेटर्स के साथ में, लोगो है रेनॉल्ट की ब्रांडिंग है। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं, तो आपको काफ़ी कंफर्ट यहाँ पर होता है। अब हम दोस्तों इसका जो बूट है, ये आपको खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर हम सीटिंग की बात करें, तो आपको ड्राइवर के अंदर 3 रो मिलती है बैठने के लिए, जहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कभी 2 लोग ही जा रहे हैं और आपको चाहिए ये जो एरिया है इसके अंदर कभी लगेज वगैरह रख के लेके जाना है, तो आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस भी यहाँ पर मिल जाता है। 625 लीटर का बूट स्पेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीछे की दोनों रो है, ये आपके यहाँ पर जो है फोल्ड हो जाती है, या फिर आप इनको निकाल भी सकते हैं। हालांकि अगर आप 3 रो के साथ में जाएंगे, तो वहां पर आपको इसके अंदर 84 लीटर का जो है बूट एरिया यहां पर मिल जाता है। तो दोस्तों इसको करते हैं हम बंद, और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको 40 लीटर का इसके अंदर जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है। पेट्रोल गाड़ियां हैं, जिसके अंदर अगर हम इंजन की बात करें, तो BS6 Phase 2 इंजन है। BS6 Phase 2 इंजन से अगर हम पावर की बात करें, तो 96 Nm के आसपास का आपको इससे टॉर्क मिलेगा। 72 HP की आपको जो है इससे पावर मिल जाएगी। 3 सिलेंडर का BS6 Phase 2 इंजन गाड़ियों के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब पीछे की रो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो आप देखेंगे कि सेकंड वाली रो के अंदर यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पावर विंडो के स्विचेज वगैरह भी दिए हैं, म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर है, वाटर बॉटल होल्डर है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटीरियर में आपको डुअल टोन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सीट्स के ऊपर आप देखेंगे हेडरेस्ट वगैरह आपके कंफर्ट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम इसका जो ड्राइवर साइड का डोर है, ये भी दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ड्राइवर साइड का जो ये जो गेट है, इसको ओपन करने के बाद में आप देखते हैं कि गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। ड्राइवर के डोर के ऊपर आपको सारे ही पावर विंडो के स्विचेज यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली आप अपने ORVM को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, पानी की बॉटल रख सकते हैं, स्पीकर वगैरह है। सीट काफ़ी अच्छी हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में आपको जो है इसकी सीट्स दी गई हैं, जो कि बकेट टाइप की रहेंगी। हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर आपको सारे ही मल्टीमीडिया के जो कंट्रोल्स है वो दे दिए गए हैं, यानी कि आप यहीं से, और डी शेप का आपको इसके अंदर जो है ये स्टीयरिंग यहाँ पर दिया गया है।
मेरे बैठने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं इसका जो स्टेयरिंग है ये टिल्ट फंक्शन के साथ में आता है, यानी कि आप अपने कद काठी के अनुसार इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको नया डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है जिसके अंदर आपका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, आरपीएम मीटर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। डोर ओपनिंग आपको इसके अंदर वार्निंग भी देखने के लिए मिलेगी, अगर आपका कोई डोर खुला है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों स्टेयरिंग आपको मिलता है इसके अंदर टिल्ट फंक्शन के साथ में आने वाला, और 7 इंची का आपको इसके अंदर जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। ये आपको एसी और हीटर यहाँ पर मिल जाएंगे मैनुअल फंक्शन के साथ में आने वाले। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, नीचे आपको यूएसबी लगा करके चार्ज करने का प्रोविज़न है। आप डिस्प्ले देख लीजिएगा कुछ इस तरह का आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर शो होता है। ये रेनॉल्ट की ब्रांडिंग के साथ में आपको जो है इसका ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा, और यहाँ पर इसके अंदर आपको एक ग्लोव बॉक्स भी दिया है जो कि कूलिंग फंक्शन के साथ में आ जाने वाला है। तो 2 एयरबैग मिलेंगे आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। ऊपर आपको IRVM है, लाइट है, माइक्रोफोन है, सनवाइजर आपको दोनों ही साइड में दिए गए हैं। इस साइड में आपको वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो ये जो गियर शिफ्ट लीवर है ये भी काफ़ी प्यारा सा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी है, और यहीं पर आपका एक और जो है ये स्टोरेज कैपेसिटी दी है जो कि आपको कूलिंग फंक्शन के साथ में मिल जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको नई ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो आप रेनॉल्ट का प्रिंस जो शोरूम है बीजलपुर इंदौर में, वहाँ पर आकर के आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ियों की कीमतों के बारे में मैंने आपको बताई दिया है, 7.5 लाख रुपए से लेकर के आप इसके टॉप मॉडल को 9.5 लाख रुपए की कीमत में परचेज कर सकते हैं। माइलेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपनी का कहना है कि 23 किलोमीटर तक आपको माइलेज मिलेगा गाड़ी के साथ में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल राइड की बात करें तो 20 किलोमीटर तक का आपको माइलेज 1 लीटर पेट्रोल के साथ में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।